1 लाख से ज्यादा कोविड के नए पेशेंट एक दिन में सामने आए हैं। पूरे देश की स्थिति को कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जो ये करंट वेव है ये बहुत तेजी से फैल रही है और पहले से भी ज्यादा स्पीड है इसका। और हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में हमारे अस्पताल में पहले 20 मरीज भर्ती थे, अभी आज 170 मरीज एडमिट हो गए। सो बहुत तेजी से जो है बेड्स की डिमांड बढ़ रही है और नए नए पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पहले जो ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है, तो इस बार हमने देखा कि यंग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे और ये यंग एडल्ट्स, ये जो चेंज हुआ है प्रोफाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमने काफ़ी तैयारी की है, बेड्स भी दिल्ली सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, तो हमने 1000 बेड हमने बढ़ा दिए हैं। और ICU के भी हमारे जो बेड हैं 200 वो बढ़ चुके हैं। और क्योंकि हमारी तैयारी लास्ट ईयर ही हमने काफ़ी सारी तैयारी की हुई थी और हमारे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो गई थी, बेड की और जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो भी हमने 5 गुना बढ़ा ली थी, तो अब वो सुचारू रूप से हमारा जो है हॉस्पिटल कोविड के लिए पूरी तरह से तैयार है। LNJP में हमने ये व्यवस्था की है कि हर डिपार्टमेंट में 100 मरीज देखे जाएंगे, 50 नए मरीज और 50 पुराने। तो प्रतिदिन हमारे 1500 से 1800 मरीज हम OPD में देख रहे हैं। अभी भी OPD चालू है और ये अभी चालू रहेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं जो नॉन कोविड के हैं वो भी बड़े उसमें पिछले 1 साल से काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हुई, उनको दवाइयाँ नहीं मिली, और नॉन कोविड की भी काफ़ी जो है डेथ देखने को आई, सामने आई। तो नॉन कोविड का भी हम केयर कर रहे हैं।